हेलो एवरीवन, वेलकम टू रश्मि कॉर्नर रश्मि। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कॉफ़ी पेंटिंग गणेशा की। अभी गणेश चतुर्थी चल रही है। अगर आपको ये पेंटिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से इस वीडियो के देखिए और ईजली कॉफ़ी पेंटिंग कैसे हम घर पर ही बना सकते हैं उसे इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है कॉफ़ी पेंटिंग। तो आज मैं एक गणेश जी की पेंटिंग आपको कॉफ़ी से बताऊंगी। उसके लिए कॉफ़ी चाहिए, एक थिक शीट चाहिए, एक प्लेट चाहिए, ब्रश चाहिए एंड वाटर चाहिए। तो आज की पेंटिंग में सबसे पहले आपके पास जो भी कॉफ़ी पाउच है वो हम लेंगे और एक छोटी सी कॉफ़ी पाउच से कितनी सुंदर पेंटिंग रेडी हो जाएगी। आप मेरे साथ फॉलो कीजिए। देखिए थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी ली है। अब मैं थिक साइज़ का एक लाइट टोन बना रही हूँ। फर्स्ट कोर में हम इस तरह से, देखिए मैं गणेश जी की पूरी पेंटिंग के ऊपर इस तरह से लाइटर टोन इस तरह से कर रही हूँ और अब हम इसे ड्राई होने देंगे। जब ये हमारा ड्राई होगा तभी हम सेकेंड कोन के लिए रेडी होंगे, क्योंकि जब तक ये ड्राई नहीं होगा हम सेकेंड कोन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम इसे ड्राई करने के लिए रखेंगे। अब देखिए मेरा पेपर ड्राई हो गया, अब हम सेकेंड कोट के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने कॉफी की ही थोड़ी थिक शेड बनाई है, इसमें वाटर क्वांटिटी कम रहेगी क्योंकि इसमें सेम हमें वाटर कलर की तरह ही वर्क करना है। देखिए इस तरह से हमें शर्ट में वर्क करना है। धीरे धीरे लाइटर टोन हम सेकंड कोट कर रहे हैं। इस तरह से हमें लगभग पूरी लाइनिंग्स को निकालना है, सेम जैसे हम वाटर कलर में वर्क करते हैं। Think it's hard how we always wait another day. How we watch things that can't just walk away.
Alone. I'll be okay with you like a new friend.